42 रनिंग चल रहा है। तो दोस्तों, बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन सुपरस्टार्स और बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों में से एक यानी कि मिथुन चक्रवर्ती, जिन्होंने अपने वक्त में एक से बढ़कर एक कई शानदार मूवीज दी हैं और जिन्होंने उनके फैंस ने कॉमेडी हो, एक्शन हो या फिर सस्पेंस से भरा किरदार हो, यानी कि हर तरह के किरदार में उतना ही पसंद किया है। तो एक बार फिर से मिथुन चक्रवर्ती लाने जा रहे हैं अपनी ही 40 साल पुरानी मूवी यानी कि डिस्को डांसर मूवी का सिक्वल। और इस वीडियो की मदद से हम जानेंगे डिस्को डांसर 2 मूवी को लेकर सामने आए कुछ बड़े और धमाकेदार अपडेट्स के बारे में। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साल 1982 में रिलीज हुई मिथुन चक्रवर्ती की ब्लॉकबस्टर फिल्म डिस्को डांसर मूवी का ये सिक्वल रहने वाला है। इस मूवी में हम सभी को ये देखने को मिलेगा कि डिस्को डांसर मूवी में जहां मिथुन चक्रवर्ती ने अनिल यानी की जिमी के किरदार को निभाया था, जिसमें बताया गया था कि आखिर कैसे एक सड़क पर गाने वाला लड़का कैसे डिस्को डांसर बन जाता है, तो वहीं इस फिल्म के सिक्वल में यानी कि डिस्को डांसर 2 मूवी में हमें इस फिल्म के आगे की कहानी को दिखाया जाएगा, जिसमें हमें एक्शन सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती तो नजर आएंगे ही और साथ ही बॉलीवुड का कोई और दूसरा नया एक्टर भी हमें इस मूवी में जिमी यानी कि मिथुन चक्रवर्ती के फैन के किरदार के तौर पर देखने को मिलेगा, जिसके लिए डिस्को डांसर 2 मूवी के मेकर्स इन दिनों सनी देओल के बड़े बेटे यानी कि करण देओल और बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक स्टंट्स करने वाले यानी कि टाइगर श्रॉफ को इस मूवी के लिए अप्रोच किया है, जिसकी स्टारकास्ट जल्द ही फाइनल कर दी जाएगी और अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये फिल्म हम सभी को साल 2023 के अंत में या फिर साल 2024 के शुरुआत में देखने को ही मिल सकती है। फिलहाल दोस्तों, लंबे समय के बाद मिथुन चक्रवर्ती को एक बार फिर से और वो भी डिस्को डांसर के किरदार में देखने के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं।